नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नई दुनिया में। और ये नई दुनिया है हमारा टेरेस गार्डन। इस टेरेस गार्डन में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसे कि इस वक्त आप अक्टूबर के महीने की शुरुआत हुई है आप कटिंग से लगा सकते हैं। और 90% गारंटी होती है कि जो कटिंग से आप इस वक्त जो भी प्लांट आप लगाएंगे वो आपका लग जाएगा। वैसे तो 90% प्लांट्स जो होते हैं वो कटिंग से लग जाते हैं, कुछ प्लांट्स जो है डिवाइड करके लगते हैं और कुछ प्लांट्स बी से लगाने पे उसका ज़्यादा फायदा होता है। तो इस महीने में कटिंग से कौन कौन से प्लांट आप लगाएंगे जो कि लग जाने की गारंटी है, चलिए आज इस पर हम आप सबसे बात करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी इस बगिया में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से प्लांट कटिंग से आप लगा सकते हैं और कौन कौन से मैंने लगाए हैं जो लग चुके हैं। सबसे पहला प्लांट है जो सबसे इजीली आपको लग जाएगा कि आप कटिंग लीजिए। इस तरह का अगर आपका प्लांट है कहीं से, आप ये देखिए कि इस प्लांट को शिफ्ट करते समय यहाँ से टूट गया था मेरा गलती से भी, तो मैंने उसे इसी प्लांटर में लगा दिया और ये देखिए कि ये प्लांट लग गया है। और ये अभी 4-5 दिन की बात है, ये देखिए यहाँ से ये नई पत्ती भी निकलने लगी है। तो चंपा का इस तरह की डाली कहीं से भी आप ले आइए, उसे 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा और उसके बाद जब उसका व्हाइट सैप जो निकलता है वो अगर ड्राई हो जाए उसके बाद किसी तरह के इजी मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए, चंपा का प्लांट बहुत आसानी से लग जाएगा। चंपा के बाद एक बहुत बड़े पौधे की बारी आती है, वो है नागचंपा। नागचंपा को इतना ज़्यादा मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है काट काट के इसके टुकड़े, जितनी प्रूनिंग करती जाती हूँ वो गमले में ही लगाती जाती हूँ। आप ये देख रहे हैं कि जितनी प्रूनिंग है ये बार बार मैं आप सबको कहती हूँ। और इस महीने में आप इसे बहुत अच्छे से प्रूनिंग करके लगा सकते हैं क्योंकि खाद देने का भी टाइम होता है। इसी तरीके से आप जो है हिबिस्कस के प्लांट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। आपके पास अगर हिबिस्कस का प्लांट है या कहीं से भी आप ला करके इसकी कटिंग आप लगा दीजिए, अक्टूबर महीने के शुरुआत में ये लग जाएगा। इसी तरह से कनेर का प्लांट है, ये प्लांट मेरा खरीदा हुआ है जो कलरफुल है, लाल वाला है। और ये देसी वाला जो कनेर का प्लांट होता है ये कटिंग से मैंने लगाया था। इसके बारे में क्या कहना है, कनेर का मैंने आपको उदाहरण में दिखाया था, ये देखिए ये भी मैंने कटिंग उसी से जो लाल वाली कटिंग है मेरी कनेर का पौधा है उससे मैंने कटिंग लेकर के इसमें लगाया था। और ये देखिए जितनी कटिंग लगाई थी ये एक कटिंग नहीं लगाई हुई है, आपको ऊपर से दिख रहा है पौधा, ये सारी अलग अलग कटिंग है, सारी कटिंग ये चल पड़ी है। इस तरह के फाइकस के प्लांट की छोटी छोटी कटिंग भी अगर आप कहीं से लेके आते हैं और उसे लगा देते हैं तो ये प्लांट भी बहुत अच्छे से चलने वाला है। ये देखिए ये छोटी छोटी कटिंग लगाई हुई है। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ से भी मैं इसकी प्रूनिंग करती हूँ वहाँ से निकाल के प्लांट को लगा देती हूँ। हालांकि जितने भी फाइकस के मेरे पास प्लांट है सब कटिंग से ही लगे हुए हैं। और ये देखिए ये अभी बहुत कम दिन पहले की ही बात है जब मैंने इसकी कटिंग की थी और सारी यहाँ पे लगा दी थी कटिंग, और सारी की सारी कटिंग जो है ये लग चुकी है। तो इस तरह से फाइकस की भी कटिंग आप लगा सकते हैं, बहुत इजीली कटिंग लगेगा ये। फिर आप कटिंग कहीं से भी ले लीजिए, एक दो कटिंग आप ले जाइए, अगर 2-3 कटिंग लगाते हैं तो उसमें से 2 तो ज़रूर चलने वाली है। और मैं आपको गारंटी के साथ बताती हूँ, ये देखिए 2 कटिंग लगाई थी और ये दोनों कटिंग ही चल पड़ी है। इसके अलावा दोस्तों जट्रोफा का प्लांट है, जट्रोफा की बहुत सारी वैरायटी आती है। वैसे तो इसके छोटे छोटे पौधे बहुत सारे आपको पार्क में मिल जाएंगे, पर अगर इसकी कटिंग आप लगाना चाहते हैं और कोई ख़ास ऐसा जो इसके पत्तियों का डिज़ाइन है खूबसूरती वाला प्लांट अगर आपको जट्रोफा का आपको दिखता है तो आप इसकी कटिंग लाइए। और ये कटिंग भी बहुत अच्छे से आपको इस अक्टूबर महीने में इसकी भी लग जाएगी और खूबसूरत सा पौधा एक आपका तैयार हो जाएगा। बुश फायर, आप देखते होंगे इतना हार्डी ये प्लांट है, ये सड़कों पे इतना ज़्यादा लोग हेज के रूप में लगाते हैं। अभी दिल्ली में बहुत सारी जगहों में बड़े बड़े पार्क हैं, आप इंडिया गेट की तरफ चले जाइए या अलग अलग कॉलोनी में चले जाइए तो ये इस तरह के हेज के हिसाब से इसे लगाया जाता है। इसकी भी बहुत आसान से कटिंग लग जाएगी, आप अगर एक नोड एरिया से इतनी छोटी सी सॉफ्ट वुड वाली इसकी कटिंग लेकर आते हैं तो इसे लगाइए और ला करके आप 2.5-3 इंच का और लगा ले सकते हैं। ये देखिए ये मैंने बहुत ज्यादा दिन पहले नहीं, अब 1 महीना होने को है, 3 कटिंग मैंने ला के लगाया था। एक कटिंग थोड़ी ढीली ढाली सी दिख रही है पर ये भी कटिंग लग चुकी है और 2 कटिंग जो और थी वो बहुत अच्छे से लग के ये देखिए
अच्छी तरीके से इसमें पत्तियां निकल आई हैं। तो अक्टूबर महीने की शुरुआत में अभी एकदम से वीडियो देखते ही आप सब इस तरह की कटिंग लाइए और ला के लगा दीजिए। गारंटी है कि 15 दिन में हर प्लांट आपका चल पड़ेगा। सेंसिवेरिया, वैसे तो इस प्लांट को आप बहुत तरीके से लगा सकते हैं, पानी में लगा सकते हैं, डिवाइड करके लगा सकते हैं, पर अगर आपको मान लीजिए कि एक पत्ती भी इसकी मदर इन लॉज टंग की मिल जाती है सेंसिवेरिया की, तो आप उसे लाइए और ला करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके और निचले पोर्शन को मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए। ये प्लांट भी इस महीने में बहुत आसानी से बहुत अच्छे से लग जाएगा, क्योंकि फिर थोड़ी सी और ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाएगी, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि ठंड की वजह से ये प्लांट नहीं लगेंगे। लेकिन ये मौसम बहुत ही अच्छा है प्लांट्स के लिए जब आप कटिंग से लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, मैंने उसके अलावा आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं। अब ये देखिए मेरा ये चांदनी का प्लांट है, ये बहुत बड़ा हो गया था, अभी इसकी कटिंग मैंने की है। कटिंग करके कल ही इसमें से देखिए नई नई पत्तियां निकल रही हैं, सब कोमल। इसके देखिए कि मैंने इसकी कटिंग को एज इट इज इसमें इंसर्ट कर दिया है और इसमें से मैंने 4-5 ये कटिंग 1, 2, 3, 4, 5 लगाई है। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इसमें से कम 2-3 कटिंग तो जरूर सी। साथियों, ये देखिए पारिजात का प्लांट है, इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग की है, आपको मैं दिखा दूँ। सब जगह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है, पूरे पेड़ को मैंने कट कर दिया है और जहाँ जहाँ से मैंने कट किया है आप देख रहे हैं कि वहाँ से नई नई डालियाँ निकल रही हैं। पूरा ये बहुत बड़ा सा वृक्ष जैसा था और इसकी कटिंग भी मैंने कट करके इसी में लगा दी है। जनरली मैं जब किसी बड़े पेड़ की प्रूनिंग करती हूँ, हार्ड प्रूनिंग करती हूँ, तो उसको कट करके मैं उसी गमले में नीचे की तरफ लगा देती हूँ। और मैं इसका एक उदाहरण दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कुछ दिन पहले मैंने ये पारिजात की एक कटिंग लाकर लगाई थी। आप ये देख रहे हैं इसकी रूटिंग, थोड़ी सी मोटी सी इसकी कटिंग थी, ये लगाई थी और अब देखिए कि इतने बढ़िया से, सुबह सुबह का वक्त है, आपको दिखा रही हूँ, ये सुबह इतने सारे फूल खिलने लगे हैं। हालांकि इसे लगाए हुए मुझे 1-1.5 महीना से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप इस महीने में भी इस वक्त भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप गोरी छोरी की कटिंग अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो आप लगा सकते हैं, एक जोरा की कटिंग लगा सकते हैं। आप ये देख रहे हैं एक जोरा की कटिंग है, इसमें कुछ पौधे मेरी कटिंग से लगे हुए हैं और कुछ पौधे मैंने पौधे ले करके लगाए हैं, लेकिन कटिंग से भी जो लगाए हुए हैं वो पौधे भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं और उसमें भी फूल खिल रहा है। इसी तरीके से हाइबिस्कस की ये हाइब्रिड वाली वेराइटी है, ये तो खैर मैंने पौधा लगाया था लेकिन इसकी भी कटिंग बहुत अच्छे से चलेगी। ये देखिए साथ ही ये यूफोर्बिया मिली का ये प्लांट है और ये सारे जो प्लांट मेरे गार्डन में है आप सबको मालूम है क्योंकि आप पुराने सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो ये सारे मेरे कटिंग से ही लगाए हुए प्लांट हैं और अब बहुत विशाल विशाल से हो गए हैं। ये तीन तो इस तरफ आप देख रहे हैं कि इतने भरे भरे हैं, ये इस तरफ है और अलग अलग वेराइटी के भी कटिंग से लगाए हुए प्लांट हैं। ये भी यूफोर्बिया मिली की एक अलग वेराइटी है और ये सारी आप पुराने अगर मेरे व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि ये वाली खूब लंबी सी एक डाली हो गई थी और ये अब महीना दिन तो हो गया, हाँ एक महीना तकरीबन हो गया है, तो यहाँ से मैंने कट करके और इसको तीन टुकड़े किए थे और तीनों टुकड़ों को मैंने इसी में लगा दिया था। ये देखिए ये एक लगा दिया था, एक ये कटिंग लगा दी थी और एक ये कटिंग लगा दी थी और सारी कटिंग इसकी निकल पड़ी है, चल पड़ी है। तो इस तरीके से आप यूफोर्बिया मिली की भी कटिंग इस महीने में लगा सकते हैं। अरेलिया का ये प्लांट है, इसकी भी आप बहुत अच्छे से कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ईजली इसकी कटिंग लग जाती है। बस इसकी भी वही है कि ऊपर से 2.5-3 इंच की आप सॉफ्ट वुड वाली जो कटिंग है वो लीजिए, नीचे से पत्तियां निकालिए और ये जितने पत्तियां निकालते जाएंगे ये सारे नोड एरिया निकल जाएंगे, बस इतना सा हिस्सा जो है मिट्टी में आप इंसर्ट कर दीजिए, देखिए ये प्लांट भी लग जाएगा। इसके अलावा जो ड्रेसिना की बहुत सारी अलग अलग वेराइटी होती है जिसे बहुत ईजली आप सर्वाइव करवा सकते हैं और अपने गार्डन में लगा सकते हैं, कहीं से भी आपको कटिंग मिल जाती है। इतनी छोटी छोटी कटिंग ले आइए, ऊपर की सारी पत्तियां निकालिए और इतनी कटिंग लाने के बाद इतना इतना आप मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए, आप देखिए लग जाएगा। और ये देखिए आप, आपको ये दिख रहा होगा, ये इतना कटिंग कट करके और मैंने इतना इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। और इसके अलावा इस प्लांट की ये खूबसूरती है कि अपने आप ये पप्स भी निकालता रहता है, आपको कैसे मैं दिखाऊं, ये बिल्कुल जंगल जैसा बन चुका है एक ही पॉट में और जो तीन ऊपर के ब्रांच जा रहे हैं वो ऊपर को जा रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि आप ये वाली भी आप देख सकते हैं, इसकी भी बीच से प्रूनिंग करके यहाँ से निकाल दी थी और ये दो डालियाँ अभी जा रही हैं, अभी इसकी और अभी कटिंग करके
अभी मैं लगा दूंगी। ये मैंने सिलेंड्रिल आपको दिखाया, ये देखिए कितना बड़ा ये जा रहा है। अगर यहाँ से हम इसको कट करके फिर से लगा देंगे तो ये एक नया प्लांट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी आपको प्लांट दिख रहे हैं सारे प्लांट आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये सब तो चलो सीजनल पौधे हैं, बाद में देखे जाएंगे, पर ये सब जो है परमानेंट प्लांट है, जिस जो कि बारहों महीने आपके गार्डन में खूबसूरती देते रहेंगे और ये प्लांट लगता रहेगा। ड्रेसिना की ये भी एक वेराइटी है, आप ये देख रहे हैं कि इसे भी मैंने कटिंग से ला के लगाया था और अभी मल्टीप्लाई करके आपको मैं दिखा दूँ कि एक आपको ये दिख रहा है, इसके अलावा मेरे पास इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गए हैं। ये देखिए यहाँ ये कटिंग लगाई थी, ये देखिए कितने हो गए हैं और इसमें बेबीज कितने निकल आए हैं वो देखिए। तीसरा ये देखिए यहाँ पे एक ये इतना बड़ा हो गया है, इसके नीचे भी आपको दिखेंगे एक एक प्लांट में कम से कम 8-8, 10-10 बेबीज निकल आए हैं। तो ये सारे प्लांट जो मैंने आपको दिखाए हैं सब कटिंग से मेरे लगाए हुए हैं। सिंसवेरिया की बहुत अलग अलग वेरायटी आती है दोस्तों, और सारे वेरायटी जो कटिंग से लग सकती है, ये सिलेंड्रिक है सिंसवेरिया, ये भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कटिंग से नहीं लगते हैं, उन्हें डिवाइड करना पड़ता है, और कुछ प्लांट्स जितने मैंने आपको दिखाए हैं सारे कटिंग से लग सकते हैं। कैक्टस की जितनी भी वेराइटी होती है ना सारी कटिंग से लगती है, और इन सारे प्लांट्स के बारे में क्या कहना, ये जो जेड के प्लांट है वो तो छोटी छोटी एक एक इंच हाफ हाफ इंच की भी कटिंग जो है वो भी लग जाती है। तो इस तरीके से मैंने आज आप सभी को दिखाया कटिंग से लगने वाले प्लांट को, और ये सारे प्लांट मेरे गार्डन में सरवाइव कर रहे हैं। तो इसलिए आप सबसे सिफारिश करते हैं कि अभी जैसे ही आप वीडियो देखना बंद करेंगे तो कलेक्ट कर लीजिए, फटाफट कलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके गार्डन में खुद है और उसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें से कटिंग निकाल लीजिए, कटिंग शटिंग करके। और दूसरा है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई प्लांट नहीं है तो आसपास में देखिए, किसी के पास जाइए, कहीं पार्क में जाइए, किसी से मांग के लाइए और सारे कटिंग को एक बार इकट्ठा कर लीजिए। और इन सारे कटिंग को लगाने के लिए बस नॉर्मल सी मिट्टी आपको लेनी है, उसमें आप 50% ले लीजिए गार्डन सॉयल, जिसमें कि रेतीली मिट्टी जो हो, क्योंकि अगर आप नर्सरी से परचेज करके लाएंगे तो वो रेतीली ही मिट्टी मिलती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह की जो मिट्टी होती है ना, अगर आप कहीं गार्डन से लेकर के आते हैं या नर्सरी से लेकर के भी आते हैं तो इस तरह की मिट्टी मिलती है। इस तरह की मिट्टी में आप थोड़ा सा रेत मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा बहुत एक पार्ट कोको पिट वर्मी कंपोस्ट का मिक्स कर लीजिए। इसके अलावा अभी इसमें कुछ और मत डालिएगा। हाँ, फंजीसाइड में ज़रूर सिफारिश करती हूँ, वो मिक्स करके और बहुत ही लूज पोरस मिट्टी तैयार कीजिए और किसी एक बड़े गमले में आप मिट्टी को अच्छे से भर दीजिए और उसी में जितनी कटिंग आपने इकट्ठा की है सारी की सारी लगा के एक बार अच्छे से उसमें पानी डाल दीजिएगा और उसे फिर कहीं किसी छाए में किनारे की तरफ आप रख दीजिए। बस देखिएगा, आप उसे हिलाते मत रहिएगा, 15-20 दिन के बाद आप फिर एक हफ्ते के बाद उसमें फिर से पानी डाल दीजिए और देखेंगे कि 15-20 दिन के बाद उसमें बहुत अच्छे से रूटिंग हो गई है और सब में कहीं ना कहीं छोटी छोटी पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं। बस वहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी पॉजिटिविटी की और उस अंकुरण के साथ ही आपका एक खूबसूरत सा गार्डन तैयार हो जाता है। और एक साथ में आप इस तरह से कटिंग लगाएंगे तो कम से कम 30 से 35 तरह के कटिंग जो है आप लगा सकते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है और आप कुछ सोच रहे हैं करने के लिए तो बस मेरी बात मान लीजिए और इसे कर ही डालिए, और कर डालिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। आपसे जल्दी ही मिलती हूँ किसी एक अच्छे टॉपिक पे वीडियो लेकर के। तब तक आप गार्डनिंग करते रहिए, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, नमस्कार।